Okay, so this is our second lecture of capacitor chapter, and in this lecture we'll try to have a look at energy stored by capacitor. Capacitor ne kitna energy store kiya wo hum log dekhenge, and battery capacitor ko charge karne mein kitna energy waste kar raha hai ya spend kar raha hai wo hum log dekhenge, aur energy ka jo gap jo dissipate ho raha heat, that we will see. Theek hai, so start karte hain. So this topic is basically energy stored in a capacitor. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज कैपेसिटर एनर्जी कैसे स्टोर कर रहा है, राइट? सो लेट्स से हम लोग एक आइसोलेटेड कंडक्टर ले रहे हैं, सिंगल सा कंडक्टर है, कंडक्टिंग डिजाइन है, कोई कनेक्शन इसका किसी से नहीं है. ठीक है, सिंगल डिजाइन है, एंड वही सेम कंडक्टर मैं दो बार बना रहा हूँ, इस हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो एग्जैक्ट सेम डायग्राम बनाना मुश्किल है. सो इस पे इनिशियली लेट्स से इनिशियल केस, इसमें इनिशियल केस में आपका चार्ज क्या है, जीरो है. सो दिस इज इनिशियल केस, इनिशियली चार्ज जीरो है. एंड मान लो किसी मैं इस पे हम लोग चार्ज इसको चार्जिंग करें, हम लोग चार्ज प्रोवाइड करें. सो किसी मोमेंट पे लेट्स से इस पे चार्ज क्यू है, एंड उस मोमेंट पे इसका पोटेंशियल से वी हो गया, राइट? एट एनी टाइम टी. सो एट एनी टाइम टी, ठीक है. सो द मोमेंट आप यहाँ पर द मोमेंट आपने चार्ज इसको प्रोवाइड किया, तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, राइट? मतलब जब चार्ज नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, अब क्या चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो वी कैन से बेसिकली दैट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा है, राइट? सो वी कैन से अ कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कैप्सिटर हमारा एनर्जी स्टोर कर रहा है, ठीक है. नाउ बैटरी कितना एनर्जी लगाएगा कैप्सिटर को चार्ज करने में, एंड कैप्सिटर चार्ज होने के बाद कितना एनर्जी उसमें से स्टोर कर पाएगा, दिस टू आर लाइक डिफरेंट थिंग्स, ठीक है. सो लेट्स फाइंड, लेट्स फर्स्ट फिगर आउट कि एक्सटर्नल एजेंट मतलब बैटरी को कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा इसको चार्जिंग करने में, ठीक है. सो लेट्स फिगर आउट वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, मतलब बैटरी कितना एफर्ट लगा रहा है चार्जिंग करने में वो देख लेते हैं, ठीक है. सो यहां पर वी ऑल नो बैटरी कितना एफर्ट लगाएगा, तो बेसिकली बैटरी कितना चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं और बैटरी कितने पोटेंशियल पे चार्ज कर रहा है. हर बैटरी का अपना एक पोटेंशियल होता है, एक वोल्टेज होता है इसका, ठीक है. सो आप सिंपली क्या करो, वर्क डन कैलकुलेट कर लो, ठीक है. सो सिंपली कैलकुलेट वर्क डन, टू ब्रिंग चार्ज, ठीक है. यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं, क्यों? बिकॉज बैटरी का पोटेंशियल वी फिक्स हो, ठीक है. सो बैटरी जितना भी चार्ज प्रोवाइड करेगा, जैसे इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, बैटरी ने टोटल क्यू चार्ज प्रोवाइड किया, तो बैटरी का अपना जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट पोटेंशियल है. कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस में बैटरी चार्ज सप्लाई कर रहा है, ठीक है. तो आपका जो वर्क डन आएगा, डायरेक्ट आप टोटल वर्क डन लिख सकते हो, यू डोंट हैव टू राइट डी डब्ल्यू एंड देन इंटीग्रेटेड. इंटीग्रेशन का कोई जरूरत नहीं यहाँ पर. सो सिंपली आप यू कैन राइट बैटरी का पोटेंशियल एंड बैटरी ने जितना चार्ज प्रोवाइड किया, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है. और रादर लेट मी राइट इट एज कैपिटल क्यू ना. मान लो फाइनल चार्ज जो है ना, फाइनल केस जो है, ये मैं डिजाइन बना रहा हूँ यहाँ पे, हमारे पास फाइनल केस लेट्स से क्यू है एंड फाइनल पोटेंशियल लेट्स से ये किसी जनरल टाइम पे पोटेंशियल लेट्स से स्मॉल वी था, फाइनल पोटेंशियल लेट्स से कैपिटल वी है, ठीक है. सो बैटरी ने कितना एफर्ट लगाया, दैट विल बिकम पोटेंशियल बैटरी का इंटू कितना चार्ज उसने एक्चुअली सप्लाई किया, तो वी इंटू कैपिटल क्यू हो गया. नाउ यू नो चार्ज जो कैपेसिटर पे है उसको पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं ना. यू कैन राइट क्यू इक्वल्स टू सी वी. तो अगर आप वैसा लिख दोगे तो फिर ये क्यू की जगह अगर मैं सी वी लिखता हूँ तो ये सी वी मल्टीप्लाई करेंगे वी से, तो सी वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. सो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि कितना एफर्ट बैटरी ने लगाया, वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना एफर्ट लगाया, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय बैटरी, ये सी वी स्क्वायर है ना. सो दिस इज एनर्जी प्रोवाइडेड और वेस्टेड और स्पेंड, जो भी बोल सकते हो, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय बैटरी, ये आपका आ रहा है सी वी स्क्वायर.
ठीक है. सो बट इट डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली कैपेसिटर को आपने सीवी स्क्वायर एनर्जी बैटरी ने लगाया तो सारा का सारा एनर्जी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो गया, पुट आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में नहीं हो गया, सारा स्टोर नहीं होता. इनफैक्ट हम लोग वो कैलकुलेशन करेंगे, ओनली जितना बैटरी ने एनर्जी लगाया है उसका ओनली 50%, लाइक सीवी स्क्वायर है एनर्जी इतना बैटरी ने लगाया, ओनली हाफ सीवी स्क्वायर बैटरी जाकर चार्ज जो है, जो बैटरी का एनर्जी है वो कैपेसिटर एज ए एनर्जी स्टोर कर पाता है, एज ए पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर पाता है, वो हम लोग आगे देखेंगे. पहले इसको आप लोग इसको नोट डाउन करो. सो जस्ट कीप दिस इन माइंड, बैटरी जितना एफर्ट लगा रहा है उसका ओनली 50% कैपेसिटर एक्चुअली यूज करेगा, रिमेनिंग 50% जो बचा हुआ 50% है वो आपका हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है. ठीक है, आप इसको नोट करो. आई विल गिव यू 1 मिनट फॉर दिस, आप लोग इसको नोट करो, देन विल मूव ऑन टू कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. ठीक है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. कैपेसिटर में एक्चुअली कितना एनर्जी स्टोर हो पाया उसकी बात करते हैं हम लोग. या सो लेट्स लुक एट दिस पार्ट. तो क्या देख रहे हैं हम लोग, इनिशियली चार्ज नहीं था डिज़ाइन पे, एट किसी भी जनरल टाइम टी पे कुछ चार्ज है एंड कुछ पोटेंशियल, उसको मैंने स्मॉल वी से रिप्रेजेंट किया है. एंड फाइनली आपके पास चार्ज क्या है, फाइनल चार्ज जो है क्यू आपका कैपिटल क्यू के इक्वल आ रहा है. ठीक है, तो हमें ये नहीं देखना है कि बैटरी ने कितना वर्क किया, हम लोग ये देख रहे हैं कि डायरेक्टली हमारा कितना एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, जो वर्क डन कैपेसिटर के अगेंस्ट हो रहा है, जो वर्कडन कैपेसिटर में चार्ज लाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, जो एकदम कैपेसिटर के पास जो वर्कडन हो रहा है उसकी वजह से कितना एनर्जी स्टोर है, बस हमें वो देखना है. ठीक है, सो विल स्टार्ट विद डी डब्ल्यू वाई, बिकॉज आपका कैपेसिटर का पोटेंशियल वो चेंज हो रहा है, इनिशियली चार्ज नहीं था, पोटेंशियल जीरो था, है ना, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, इनिशियली आपका जीरो था, चार्ज स्मॉल क्यू हुआ, पोटेंशियल स्मॉल वी हुआ, चार्ज बढ़ के फाइनल कैपिटल क्यू हुआ, पोटेंशियल आपका फाइनल पोटेंशियल कैपिटल वी हो गया. सो आप छोटा सा वर्कडन, छोटे से वर्कडन की बात करो तो छोटा सा वर्कडन कितना आएगा, किसी भी मोमेंट पे जो चार्ज मेरे पास, जो पोटेंशियल है कैपेसिटर पे वी, अगर मैं इसमें डी क्यू चार्ज लाना चाहता हूँ तो मुझे बेसिकली पोटेंशियल वी पे डी क्यू चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा, राइट. उस मोमेंट पे पोटेंशियल वी है हमारा कैपेसिटर का एंड उसके अगेंस्ट में हमें डी क्यू चार्ज सप्लाई करना है. सो ये वर्क डन जो छोटा सा आएगा इट विल बिकम वी इंटू डी क्यू. ये वी जो है स्मॉल वी इज अ वेरिएबल वोल्टेज, है ना, एट एनी टाइम पे जो जनरल वोल्टेज है वो वोल्टेज हम लोगों ने यहाँ पे लिया है. ठीक है, बट दैट डजंट मैटर. जब चार्ज हमारा क्यू है, स्मॉल क्यू है और वोल्टेज हमारा स्मॉल वी है, उस टाइम पे भी यू कैन राइट क्यू इक्वल्स टू कैपिटल सी इंटू वी. जब फाइनल चार्ज आपका कैपिटल क्यू हो गया एंड फाइनल पोटेंशियल वी हो गया, उस टाइम पे यू कैन राइट कैपिटल क्यू इक्वल्स टू सी कैपिटल वी. रिलेशन सेम रहता है, रिलेशन आपका सेम रहेगा क्योंकि उस डिजाइन का कैपेसिटेंस वैल्यू क्या है, इट्स अ फिक्स वैल्यू, इट विल नॉट चेंज. ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग,
वी की जगह हम लोग यहां से लिख लेते हैं स्मॉल क्यू बाय कैपिटल सी लिख लेते हैं, एंड देन ये आपका डी क्यू आ गया. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टोटल वर्क डन कितना होगा जो जस्ट कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में कैपेसिटर के जो काम आ रहा है. ठीक है, सो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू आप करेंगे. इस इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू में यू विल राइट क्यू बाय सी डी क्यू. ऑब्वियसली वन बाय सी क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो मैंने उसको बाहर कर दिया. तो इंटीग्रल क्यू डी क्यू की बात करें हम लोग, इसमें लिमिट की बात करते हैं. इनिशियली चार्ज क्या आपका नहीं था, जीरो था. फाइनल चार्ज में कहां तक लेकर जाना है, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया आपका कैपिटल क्यू पे, राइट. सो ये इंटीग्रेशन हमें क्या देगा, दिस विल गिव अस क्यू स्क्वायर बाय टू, जिसमें आपको अपर लिमिट रखना है कैपिटल क्यू, लोअर लिमिट रखना है जीरो. तो इवेंचुअली यहां से आपका वर्क डन विच एसेंशियली इज एनर्जी स्टोर्ड, ये आपका आ रहा है कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय टू सी. ठीक है, सो एनर्जी स्टोर्ड, ये जो वर्क डन है ना, ये डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ. सो ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये हम लोगों को एक्सप्रेशन मिल गया. यू कैन क्लियरली सी ये उसके इक्वल नहीं है जितना बैटरी ने स्पेंड किया एनर्जी चार्जिंग करने में. कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कैपिटल क्यू की जगह, अब आप यहाँ पे सी वी लिख दो, तो कैपिटल क्यू की जगह आप सी वी लिखोगे तो सी वी का स्क्वायर बाय टू सी, ये बेसिकली आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगा. इसका मतलब जो एनर्जी है, जो एनर्जी का हम लोगों ने एक्सप्रेशन फाइंड किया है, आपके पास बेसिकली दो एक्सप्रेशन है. ठीक है, और दोनों आप क्यू स्क्वायर बाय टू सी के भी फॉर्म में आप एनर्जी लिख सकते हो, एंड हाफ सी वी स्क्वायर भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर. लाइक कभी चार्ज पता है आपको, कैपेसिटेंस पता है, तो क्यू स्क्वायर बाय टू सी यूज कर लेंगे, है ना. सो एनर्जी, लेट मी राइट इट, सो एनर्जी, ये फाइनल फॉर्मूला है हमारे काम का, ये क्यू स्क्वायर बाय टू सी विल यूज इट, और विल यूज इट हाफ सी वी स्क्वायर डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट. तो यू शुड बी कंफर्टेबल विद दिस आइडिया कि ये हमें कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए ना, इट्स वेरी इजी थिंग. तो ये आपको कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए. ठीक है, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हो गया हमारा. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया हमारा एनर्जी स्टोर का. ये एक्चुअली एनर्जी स्टोर्ड है. ठीक है, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड. तो इतना ही एनर्जी स्टोर हुआ है. तो यू कैन सी एनर्जी जो स्टोर हुआ, इट इज हाफ सी वी स्क्वायर. बैटरी ने कितना एनर्जी वेस्ट किया था, तो बैटरी ने जो एनर्जी वेस्ट किया था वो सी वी स्क्वायर था. मतलब ओनली हाफ ऑफ एनर्जी जो है वो एनर्जी स्टोर हो पा रहा है, और बचा हुआ जो एनर्जी है वो क्या हुआ, हीट के फॉर्म में एनर्जी वो डिसिपेट हो जाएगा. सो रिमेनिंग एनर्जी जो है, जो बचा हुआ पोर्शन है एनर्जी का, हाफ सी वी स्क्वायर. बिकॉज मैंने सी वी स्क्वायर प्रोवाइड किया था, हाफ सी वी स्क्वायर स्टोर करके रखा है कैपेसिटर ने, तो रिमेनिंग एनर्जी क्या हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर. ये क्या हो गया आपका, वेस्ट हो गया हीट के एनर्जी के फॉर्म में. ये क्या है, एनर्जी आपका डिसिपेट हो गया. ठीक है, सो लेट्स राइट इट, इसको लिखते हैं, एंड देन विल वर्क ऑन वन प्रॉब्लम. सो ये माइंड में आपको रखना है ना कि एनर्जी स्टोर्ड क्यू स्क्वायर बाय टू सी भी लिख सकते हैं, और क्यू की जगह सी भी लिख दिया आपने तो हाफ सी वी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इट्स नॉट अ बिग डील, है ना. एंड ये भी आपको माइंड में रखना है कि बैटरी ने एनर्जी ज्यादा वेस्ट किया है, ओनली हाफ ऑफ एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर पाए, कैपेसिटर ओनली हाफ ऑफ एनर्जी को स्टोर कर पाए, रिमेनिंग एनर्जी क्या, हीट एनर्जी के फॉर्म में आपका रिलीज हो जाएगा एनवायरमेंट. ठीक है, आई गेस सबने नोट कर लिया. सो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, एंड देन ये पार्ट हमारा एनर्जी का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. सो क्वेश्चन है,
क्वेश्चन इज एन आइसोलेटेड कंडक्टर ऑफ 10 माइक्रो फेराड कैपेसिटेंस इज गिवन 10 माइक्रो कूलम चार्ज. ठीक है, एंड वी नीड टू फिगर आउट टू थिंग्स, फाइंड आउट स्टोर्ड एनर्जी एंड इट्स पोटेंशियल. सो इतना चार्ज देंगे तो क्या पोटेंशियल आएगा एंड कितना एनर्जी स्टोर्ड है उसमें बिकॉज ऑफ चार्ज एक्युमुलेटेड बाय दैट कंडक्टर, दैट वी नीड टू फिगर आउट. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ईजी है. लेट्स फर्स्ट फिगर आउट पोटेंशियल, ही सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं. तो यू नो क्यू इक्वल्स टू सी वी, ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है, क्यू इक्वल्स टू सी वी. तो वोल्टेज अगर किसी को पोटेंशियल चाहिए तो क्यू बाय सी कर लेना है. चार्ज गिवन इज 10 माइक्रो फेराड, माइक्रो कूलम, तो 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 हो गया. एंड कैपेसिटेंस इज 10 इंटू 10 पावर माइक्रो फेराड में, तो ये इवेंचुअली क्या है, 1 आ रहा है, 1 मतलब 1 वोल्ट हो गया है आपका. ठीक है, सो पोटेंशियल 1 वोल्ट है. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी की अगर आप बात करें तो आप दोनों यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज क्यू स्क्वायर बाय 2 सी ऑल्सो बिकॉज कैपेसिटेंस गिवन है, चार्ज गिवन है. एंड यू कैन यूज हाफ सी वी स्क्वायर ऑल्सो. मैं हाफ सी वी स्क्वायर यूज कर ले रहा हूँ. सो हाफ कैपेसिटेंस इज 10 माइक्रो फेराड, तो 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 एंड पोटेंशियल इज 1 का स्क्वायर. तो यहाँ से क्या आ रहा है, 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल आ रहा है. ऑब्वियसली एनर्जी जूल में लिखेंगे हम लोग, तो लेट्स राइट इट एज माइक्रो जूल, है ना, माइक्रो जूल के फॉर्म में लिख लेते हैं. तो ये हमारा क्या आएगा, ये रिजल्ट आ गया कि कितना एनर्जी स्टोर है. तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला दोनों तरह से यूज कर सकते हैं. आप क्यू स्क्वायर बाय 2 सी भी यूज करोगे तो भी यू विल गेट द सेम रिजल्ट. इफ यू डोंट बिलीव मी यू कैन ट्राई. कैपिटल क्यू की जगह आप 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 को रेस्ट टू द पावर 2 एंड कैपिटल सी की जगह 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 आप डिनोमेटर में यू कैन अप्लाई इट, यू विल गेट द एग्जैक्ट सेम रिजल्ट. सो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं. यू जस्ट नीड टू मेक श्योर यू हैव प्रॉपर वैल्यू ऑफ चार्ज, प्रॉपर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस एंड प्रॉपर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल. दैट्स इट. इफ यू हैव दोज वैल्यूज यू विल गेट द करेक्ट रिजल्ट. ठीक है, और अगर उसमें गड़बड़ किया तो ऑब्वियसली करेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा. सो इसको नोट करो, आई विल गिव यू 1 मिनट फॉर दिस. सो इन नेक्स्ट लेक्चर, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कैपेसिटर का, उसमें हम लोग विल स्टडी टू कंडक्टर सिस्टम, लाइक दो प्लेट्स मिला के या फिर दो हेमी स्फेरिकल शेल है या फिर दो सिलेंड्रिकल शेल है. तो दो अलग अलग डिजाइन मिलाकर अगर हम लोग एक कंडक्टर सिस्टम बना रहे हैं तो उसका कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करें. अभी तो हम लोग जो पढ़े तो आइसोलेटेड कंडक्टर था, सिंगल एक आइसोलेटेड डिजाइन है, कुछ भी रैंडम डिजाइन. तो उसके लिए हम लोग कोई अप्रोप्रिएट फॉर्मूला, कोई ढंग का मतलब कोई यूजफुल बहुत ज़्यादा रिजल्ट हम लोगों ने फिगर आउट नहीं किया. बट कंडक्टर सिस्टम, टू कंडक्टर सिस्टम से मिलकर जो कैपेसिटेंस बनता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड दोज कैपेसिटर्स आर लाइक यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़े लेवल पे भी, थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह में, हर जगह वो यूज करते हैं हम लोग, है ना. ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर.